शेखावाटी का झुंझुनू जिला किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। झुंझुनू जिला पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया में वीर और बहादुरों के जिले के नाम से भी विख्यात है। झुंझुनू जिले में जहां शिक्षा जगत में अपने परचम लहराए हैं, तो वहीं देश सेवा का जज्बा भी जिले के जवानों में कूट कूट कर भरा है। झुंझुनू जिला एक ऐसा जिला है जिसने देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सैनिक दिए हैं, वहीं सबसे ज्यादा शहीद भी इसी जिले के सैनिक हुए हैं। इसी कड़ी में जिले के उदयपुरवाटी उपखंड के हुकुमपुरा गांव के छेद नगर के रहने वाले शमशेर अली ने अपना नाम देश के प्रति शहीद होकर अमर कर लिया है। शमशेर अली टेंगा में पाइनीज पोस्ट पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गए। हम आपको बता दें कि शमशेर अली 24 ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात थे। जिस जगह पर पेट्रोल रिंग कर रहे थे वह करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। शमशेर अली की चार पीढ़ी, बल्कि यूं कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में देश के लिए सेवाएं देती आ रही है। शहीद शमशेर अली के पिता भी रिटायर्ड नायब सूबेदार हैं, तो वहीं दादा भी देश की सेवा में रह चुके हैं और शहीद शमशेर अली के चाचा और उनके छोटे भाई भी फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहीद शमशेर अली के बड़े बेटे आलम शेर और छोटे बेटे गुलशेर में भी देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। दोनों ही बच्चों ने पिता के शहीद की खबर सुनकर चीन और पाकिस्तान के प्रति आक्रोश जताते हुए कहा कि हम भी बड़े होकर भारतीय सेना में शामिल होंगे और देश के लिए कुछ कर गुजरेंगे। शहीद शमशेर अली की शहीद की खबर आने के बाद शहीद के गांव हुकमपुरा के फेस नगर में सन्नाटा सा पसर गया। शमशेर अली के पिता सलीम अली ने कहा कि मुझे फक्र है अपने बेटे पर जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए सेवाएं दे रही है और मैं आज भी पाकिस्तान और चीन के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हूँ। शहीद शमशेर अली के दादा हाजी याशब पूर्व मेजर सूबेदार ने अपने पोते सहित शमशेर अली पर फक्र जताते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करती आई है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली नस्लें भी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करती रहेंगी। हाजी याशब ने कहा कि मेरे पोते शमशेर अली के दो बेटे हैं, उनको भी हम फौज के लिए तैयारी करवाएंगे और वह भी फौज में जाकर देश सेवा करेंगे जो हमारे परिवार की परंपरा रही है। शहीद शमशेर अली के गांव के सरपंच राम अवतार दीवाने ने बताया कि शहीद शमशेर अली ने शहादत हासिल करके जहां देश की रक्षा करके अपना नाम अमर कर लिया है, वहीं हमारे उदयपुर वाटी तहसील के गांव हुकुमपुरा के फेस नगर का नाम भी पूरे भारत वर्ष में मशहूर कर दिया है। हम आपको बता दें कि शमशेर अली का पार्थिव शरीर अभी उनके गांव नहीं पहुंचा है। उच्च अधिकारियों की माने तो शहीद शमशेर अली का पार्थिव शरीर शनिवार को पहुंचेगा। शमशेर अली शहीद हो गए, अमर हो गए। वैसे अपनों को खोने का गम तो सभी को होता है, किंतु शेखावाटी के वीर भावेश में अपने रोंगटे खड़े नहीं करते। यहाँ के दुश्मन को ललकारने का खून, यहाँ की खून यहाँ की माटी में समाया हुआ है। यहाँ के गांव में, गली में, हर जगह शहीदों की, देवताओं की तरह पूजा की जाती है। हमारी ग्राम पंचायत बामलास के ग्राम हुकमपुरा के फैज नगर के भाई शमशेर अली चीन बॉर्डर पे पाइनीज पोस्ट पे शहीद हुए हैं, उनमें उनके इस शहादत को सलाम करता हूँ। हमारे परिवार को इस चीज़ पर गर्व है कि हमारा लाडला शमशेर अली इस देश के लिए शहीद हुआ है। ये कोई नया काम नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला हुआ आ रहा है। हमारे जो इनके परदादा हैं बागे खान, वो भी हिंदुस्तान आर्मी में पंजाब रेजिमेंट से थे, बाकी हम सब ग्रेनेडियर रेजिमेंट से हैं और हमें इस चीज़ का गर्व है। और आज भी हम इस कोशिश में हैं और इसकी पूरी निष्ठा करते हैं कि हमारे परिवार से हमारे नौजवान, हमारे जो आने वाली पीढ़ी देश की रक्षा के लिए, देश की सेना के लिए, चुनाव के लिए अपनी मेहनत करते हैं और जाने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। और आज मेरा बेटा नायब सरदार शमशेर अली, जो देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि वो शहीद हुआ है। हालांकि हर माँ बाप को बहुत दुख होता है, कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन मेरे को गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान का
हमारे राजस्थान का, हमारे झुंझुनू जिला का और हमारी उदयपुर वाटी तहसील और गांव बामला पंचायत और हुकमपुरा गांव और फैज नगर का, हमारे परिवार और खानदान का उसने एक नाम ऊंचा किया है। शहीद कभी शहीद कभी मरता नहीं, अमर रहता है। और यही हमारी पीढ़ियों से दर पीढ़ियाँ चली आ रही है। और उनका बेटा जो मेरा पोता है वो भी आर्मी में जाना चाहता है। और हम कभी पाकिस्तान या चीन से घबराते नहीं हैं और हमारी कौम का यही जज्बा है। और हम जिंदगी मरते रहेंगे तब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे देश के लिए। चाहे हमें, मेरे खुद को भी आज 23 साल हो गए, अगर वापस जाना पड़े तो मैं लड़ाई के लिए एकदम आज भी तैयार हूँ।